पेपर टू पे आते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू पेपर टू, व्हाट आर द फोर कीवर्ड्स रिटन एट द टॉप? फर्स्ट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, देन कम्स पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लास्ट इज IR, ठीक है। हिंदी में अगर कहूँ तो शासन व्यवस्था, संविधान, फिर राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब इसमें से कुछ शब्द है जो बहुत आसान है, जैसे कि संविधान बहुत आसान है समझने के लिए, वैसे बहुत मुश्किल है पढ़ने में, ठीक है, बट समझने के लिए संविधान बहुत आसान सा शब्द है। क्या होता है भाई संविधान, कौन बताएगा? संविधान मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? बोलो बेटा, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। बुक ऑफ लॉज, ओके, वेरी गुड। और भी कोई? बहुत से कानूनों को जब एक जगह रख देते तो वो संविधान हो जाएगा। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वेरी गुड। सोल ऑफ, ओके, ठीक है, भारतीयों की आत्मा है वहां पे। चलो, और भी कुछ नहीं? अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नेंस? शासन लिखा हुआ, अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स, व्हाट इज शासन और गवर्नेंस? गवर्निंग सिस्टम, ओके, वन मोर पॉइंट, व्हाट एल्स? सोचो बेटा, जब ये शब्द तुम्हारे सामने आएंगे, देखो यूपीएससी प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अप्लाइंग योर माइंड फॉर एनालिसिस, राइट? सो एनी वर्ड विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है, थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपके लाइफ में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपने यहाँ कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी पढ़ रहे, मैगजीन पढ़ रहे, नॉवेल पढ़ रहे, ठीक है। इफ़ समथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू विच इज़ अ न्यू वर्ड, कोई नया शब्द आ रहा है, तो आप सोचोगे उसके बारे में या नहीं? सोचना चाहिए या नहीं? ठीक है, जब उसके बारे में सोचोगे, ठीक है, तब आपके दिमाग की थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं पॉइंट आउट कर लिया बेटा, ठीक है, पूछ लूँगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा, गलत ही होगा ना, ठीक है। गलत भी सोचोगे, बोलोगे, ठीक है, करेक्ट करने के लिए यहाँ पे टीचर्स की एक फौज है, ठीक है, और उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, वो भी करवा दी जाएगी, राइट। बट पॉइंट हियर इज यू हैव टू थिंक, ठीक है, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल अगर मैं कहूँ, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो एक वर्ड ध्यान में रखना, दैट इज व्हाई, क्यों। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आई है तो वो क्यों आई है, ठीक है। जब वो क्यूज आ गया ना आपके दिमाग में कि ये क्यों है, तो फिर आपको, आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा कि उस क्यों का जवाब ढूंढो, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि IAS बनना है, ठीक है, फिर डिसाइड किया कि क्यों बनना है,
ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट होंगे. किसी का पर्पस होगा कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, किसी का पर्पस होगा मुझे पावर्टी इरेडिकेट करना है, किसी का पर्पस होगा मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, ठीक है, किसी का पर्पस ये भी होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी अपने पास रखनी है. आया ना वो क्यों की वजह से पर्पस, और जब वो पर्पस आ गया, वो क्यों का आंसर मिल गया, अगला ही क्वेश्चन फिर बन जाएगा, दैट इज हाउ. क्यों का जवाब जैसे ही आया, अगला क्वेश्चन आपके पास, आपके दिमाग ने आपको दे दिया कि अब इसको करना कैसे, तो आपने डिसाइड किया आईएएस बनना है, क्यों बनना है वो भी डिसाइड कर लिया, अब कैसे बनना है, ठीक है. तो कैसे बनना सीखने के लिए यहाँ आ गए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अब हमें सिखाओ, हम करने को तैयार, राइट. सो ये चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको कोई भी नया वर्ड आपके सामने आए उसको लेकर आपको दिमाग में ये चीज़ लेके आनी है, वाई, ठीक है. यूपीएससी में कुछ भी ऐसे हवा में नहीं पूछ रहा है सवाल, सवाल पूछने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद यही इस क्यू में छुपा हुआ है, ठीक है. जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो इसमें वो क्यू लगाते चलो, वाई, ठीक है, आपकी आंसर्स में, आपकी थॉट प्रोसेस में वो क्लैरिटी आते जाएगी. गेटिंग दिस पॉइंट? अब बोलो बेटा. वेरी गुड, यस बेटा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, ठीक है. चलो, सो यहाँ पे बात आ गई, अगर मैं सिंपल वर्ड में लिखूं, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, राइट, वो शासन हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन द रूल्स, अ बुक, है ना. अब चलो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, राजव्यवस्था, ठीक है, ये दोनों में फर्क क्या है, एनी आइडिया? वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ. नॉट एग्जैक्टली, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना, टू अ सर्टेन लेवल. एनीवन एल्स? वेरी गुड, बैठ जाओ. व्हाट एल्स? थिंक. एग्जैक्टली व्हाट? हाँ बोलो. अगर पॉलिटी और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता बेटा, ठीक है, तो शायद हम गवर्नेंस लिखते, पॉलिटी नहीं लिखते, दोनों अलग है. पॉलिटी इज द स्ट्रक्चर, इफ नॉट स्ट्रक्चर इट इज द प्रोसेस, ठीक है. सी, सिंपल रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टैटिक पोर्शन, इन सिंपल वर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट. हाउ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड विद गवर्नमेंट, रिलेटेड विद द लेजिस्लेचर, रिलेटेड विद द इलेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, इट विल बी डिस्कस्ड इन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस इज पॉलिटी, सिंपल, ठीक है. सो वॉट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेन यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, वॉट वेज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से लागू होगी, ठीक है, क्या किन चीज़ों से प्रभावित होगी, ठीक है, और किन किन चीज़ों को प्रभावित करेगी, जब इन सब की चर्चा होगी तो वो कहाँ आ जाता है, राजव्यवस्था में, पॉलिटी में, ठीक है. और जहाँ तक हम संविधान पढ़ रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 में ये लिखा है, आर्टिकल 15 में ये लिखा है, आर्टिकल 16 में लिखा ये लिखा है, वो क्या हो गया,
कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ में लिखा हुआ है. गेटिंग दिस पॉइंट? सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए दोनों वर्ड लिखे. राइट, नाउ वॉट एवर इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, आपने उसे व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया जो भी संविधान में लिखा है. अब व्यवहारिक रूप से लागू करने के बाद जो भी निर्णय लिए गए होंगे उसको लागू करना भी ज़रूरी है. राइट, तो वो लागू करने वाला काम क्या है? गवर्नेंस. गेटिंग दिस पॉइंट? सो इम्प्लीमेंटेशन इज गवर्नेंस, ठीक है? एंड हु विल इम्प्लीमेंट? नो, यू पीपल ओनली. इसीलिए तो जा रहे हो ना, सरकार बनाने तो नहीं जा रहे कि जाके सरकार बनानी है, नहीं ना, यू पीपल विल इम्प्लीमेंट. ठीक है, सो टू कैरी आउट गवर्नेंस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन फ्यूचर, आप लोगों की. तो अभी से अपने दिमाग को ग्रूम करना शुरू कर दो बेटा कि कैसे करोगे. ठीक है, जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स भी होगा. ठीक है, अब जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल ही दे देता हूँ आपको, दिल्ली में बाढ़ आई है, ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग, अगर आप डीएम होते तो क्या करते, क्या स्टेप्स लेते. दिन का 5 से 10 मिनट इस काम में लगाओ कि अगर आप होते और आपके सामने ये सिचुएशन आई होती दिल्ली में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता, किस तरीके से. नहीं, मैं जवाब नहीं चाह रहा अभी, ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना शुरू करो, क्योंकि कल भी हमने जिक्र किया था आईएएस एग्जामिनेशन इज़ द टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी. आपको अपनी पर्सनैलिटी उस लेवल पर डेवलप करनी है, और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा. अगर आप लोग ये सोचो कि मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू जाएगा, वहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट होगी ना, ठीक है, तो वो 2-2.5 महीने में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, और उस लॉन्ग प्रोसेस की बिगिनिंग आज से शुरू कर दो बेटा. ठीक है, दिन में कोई भी, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो उसमें कोई भी न्यूज़ आए जो सोशल प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आप डीएम होते या आप आईपीएस ऑफिसर होते तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता, ये मत सोचना कि डे वन से परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रखना. गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, सो दैट इज व्हाट गवर्नेंस. नहीं, देखो सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, फैमिली है, ठीक है, फैमिली में हेड कौन है? जनरली, ठीक है, जनरली, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो फादर इज़ द हेड, ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हु विल टेक डिसीजन? फादर, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. बट इन प्रैक्टिस ही डिस्कसेस विथ अदर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, मेनली वाइफ. राइट, सो ये क्या हुआ, ये पॉलिटी हो गया, ठीक है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, ठीक है, तो उसे भेज दिया. अब वो बेचारा पढ़ रहा है. राइट, तो ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन. हेड कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन, डिसीजन उसे लेने थे, बट उसने डिसीजन किस तरीके से लिए, पॉलिटिकल वे में, विथ डिस्कशन, चर्चा करके, और फिर किसी और को काम पे लगा दिया कि अब तुम्हें ये काम करना है, हमने डिसाइड कर लिया है, अब इम्प्लीमेंट किसे करना है. सो डिस्कशन जो हो रहा है किस तरीके से क्या क्या करना है, वो होगा पॉलिटी में. यहाँ पे किसी तरह का डिस्कशन नहीं होगा. तुम लोग ये अगर सोच रहे हो ना कि तुम लोग पॉलिसी बनाओगे जाके वहाँ पे, भूल जाओ, पॉलिसी बनाएंगे ये, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसको
इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अभी तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ना और एग्ज़ाम क्लियर करना। कैसे पढ़ना है ठीक है ये हम लोग डिसाइड करें, ठीक है, मींस ऑन थ्योरी ओजांग सर डिसाइड करेंगे, बट प्रैक्टिकली तो पूरी टीम मिलके कर रही है ना, सो दैट इज़ व्हाट पॉलिटी इज़, और फिर आपको हम पकड़ा देंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वही काम जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे, वही काम आपको वहाँ पे भी करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ डिसाइड करेंगे अपनी पार्लियामेंट से डिस्कस करके, डिसीजन बना देंगे, पॉलिसी बना देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल राइट। अब एक चीज़ और मैं समझा दूँ, ये जो है शॉर्टकट, ठीक है, ये तुम लोग नहीं लिखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस तरह के शॉर्टकट आप लोग यूज़ नहीं करोगे, क्लास में भी अपने नोट्स बनाते भी, ठीक है, और आंसर राइटिंग में तो बिल्कुल नहीं, राइट। हाँ डन, फोर्थ पॉइंट, सोशल जस्टिस। नाउ इन यस्टरडेज क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पढ़ी हमने जीएस पेपर वन में, उस सोसाइटी में हमने बहुत सारे इश्यूज देखे, वुमेन एम्पावरमेंट देखा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, पावर्टी, ठीक है, नाउ हाउ दैट एविल्स ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, जो भी हमने सामाजिक मुद्दे देखे उसको खत्म कैसे करना है, सामाजिक न्याय को स्थापित करके, ठीक है। न्याय कब आता है, अब देखो ये थोड़ा सा डीप थॉट हो गया, जस्टिस कब आएगा, जब कुछ गलत होगा तब न्याय की बात करोगे। अगर सोचो, अगर क्लास में हर बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो किसी तरह का इनजस्टिस हो रहा है क्या, किसी तरह का गलत कुछ हो रहा है क्या, नहीं। गलत कब होगा, जब कुछ लोगों को फेवरेटिज्म मिलेगा, कुछ लोगों को नेग्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सोसाइटी, जस्टिस इज़ अ रेमेडियल कॉन्सेप्ट, जब भी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा होगा, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए जो भी मैकेनिज़म्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, वो सारा कहाँ आएगा, सोशल जस्टिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यूसीसी मत बोलो बेटा यहाँ पे, वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 44, ठीक है। सोशल जस्टिस मींस जो सोशल इश्यूज हमने कल पढ़े, पावर्टी, अनटचेबिलिटी, हेल्थ, ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे इन डिस्क्रिमिनेशंस को एलिमिनेट करें, अब एग्जांपल दो, सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर होगा, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, पॉलिसीज बना के, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दीज पॉलिसीज, कुछ एग्जांपल्स दो अब मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पॉलिसीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, बोलो, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत, ठीक है, आवास योजना, देयर आर सो मैनी, और ये सब स्कीम्स कर क्या रही है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और जब वो इक्वालिटी आ जाएगी तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या, नहीं। जो भी स्कीम्स है वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, और इकोनॉमी में भी आप उसे एज ए एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, बट यहाँ पे वो सारी स्कीम्स डिटेल में पढ़नी, ठीक है, इकोनॉमी में सिर्फ आप उसे कोट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पॉलिसीज से आएगा, ठीक है। फॉर कुछ साल पहले जब ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, UPSC ने उस साल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इफ एनी हेल्थ स्कीम इज बिंग लॉन्च, लाइक अभी कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत लॉन्च किया है, मेंस में क्वेश्चन था रिलेटेड विद आयुष्मान भारत डायरेक्टली, ठीक है। सो जितनी स्कीम्स आ रही है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लास्ट 2-3 ईयर्स में, ठीक है, वो सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो स्कीम्स का पूरा हम डिटेल में उसे कवर करेंगे यहाँ पर, राइट। लास्ट इज IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था कि रशिया हैज़ बैग्ड द यूक्रेन डील, ग्रेन डील, ठीक है, मना कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। पढ़ लिया होगा आपने, कंप्लीटली बैन कर दिया या कुछ कंडीशन रखी है? कंडीशन है, क्या कंडीशन है? रशिया ने साफ शब्दों में कहा है कि पहले जब तक उसकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी वो किसी को बेचने नहीं देगा। क्या पढ़ा फिर तुमने घर जाके बेटा? साफ साफ लिखा हुआ है हिंदू में, नहीं पढ़ा ना? ठीक है, पता चल जाएगा बेटा हम लोगों को कि कब तुम पढ़ रहे हो कब तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो और चलो हमें धोखा दे भी दोगे, ठीक है, खुद को कैसे धोखा दोगे? तो जो पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और अगर मैं क्लास में हूँ, ठीक है, तो सावधानी में सुरक्षा है तुम लोगों की, क्लास में एंटर करने से पहले एक बार उसको रिवाइज करके आ जाना, ठीक है, वरना बुरी तरीके से फंसोगे जैसे अभी फंस गए। गेटिंग दिस पॉइंट? अब बात करते हैं IR की, ठीक है। सो इंडिया एज अ नेशन इज नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, ठीक है, इट इज़ हैविंग सर्टेन रिलेशंस विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, विथ बिगर पावर्स, विथ स्मॉलर नेशंस एज वेल, ठीक है। तो आज के टाइम पे जहाँ हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, क्या कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में रह सकता है? नहीं, सोशल मीडिया ने तुमको कनेक्ट कर रखा है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, वो अलग बात है कि अब तुम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो कोई भी देश आत्मनिर्भर तो नहीं है, कुछ ना कुछ हमें आयात करना पड़ता है, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत कम है, ठीक है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली कम है, तो वो हमें बाहर से तो बुलानी पड़ेगी ना, और बाहर से बुलाने के लिए, आयात करने के लिए कुछ निर्यात भी करना पड़ेगा, कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सारे देश यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, ठीक है, मतलब भारत चाहता है कि उसकी मांगें पूरी हो, अमेरिका चाहता है अपनी मांगें पूरी हो, ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान चाहता है अपनी उसकी मांग पूरी हो, चीन चाहता है उसकी मांग पूरी हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा विश्व जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम IR पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो सिर्फ IAS IPS नहीं बनोगे, कुछ बच्चे IFS भी बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। है कोई जिसका फर्स्ट ऑप्शन IFS है? गुड, ठीक है, ये लोग जाएंगे विदेश, ठीक है, वहाँ जाके काम करेंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी कि उस देश की भारत के साथ संबंध किस तरह से होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझना होगा कि यदि बात करते हैं हम पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऐसे क्यों है, इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चीन के साथ अगर इस तरह के संबंध है तो वो उसका वजह क्या है, कुछ तो इतिहास में हुआ होगा 1962 में जिसकी वजह से इतना अच्छा व्यापार होने के बावजूद चीन हमें पसंद नहीं करता और हम चीन को पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र है हमारा चीन, उसके बावजूद हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस में। ऑन पेपर तो हमारा दोस्त है, ऑन पेपर इस दुनिया में हमारा एक भी दुश्मन नहीं है, बट प्रैक्टिकली है ना। तो यही चीज़ तुम्हें IR सिखाएगा, ठीक है, कि क्या ऑन पेपर है और क्या प्रैक्टिकल है, ठीक है। और यही चीज़ बेहतर तुम्हें पूरा UPSC की प्रिपरेशन समझाएगी,
कि सच्चाई कुछ और है, बोलना कुछ और है, लिखना कुछ और है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर? सो समझ में आ गया ये पूरा जीएस पेपर 2 क्या है।